आज का जो अमृत भारत अभियान योजना था उससे जेडीयू ने पूरी तरह से किनारा कर लिया, जबकि सभी को आमंत्रित किया गया था विभाग के द्वारा, क्या कहेंगे? देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारतवर्ष में 500 से अधिक जो रेलवे स्टेशन है उनमें कैसे यात्री सुविधाओं को बढ़ाया जाए, कैसे लोगों को और वहां स्टेशन पर सुविधा मिले, उसके तहत बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया। अगर इस कार्यक्रम में जो लोग भाग नहीं लेते क्या दर्शाना चाहते? वही दर्शाना चाहते हैं ना कि जो स्टेशन के विकास के लिए काम हो रहा है उसको अच्छा नहीं समझते हैं तभी ना। देखिए, ये सब सोच जो है ना बहुत ही छोटी सोच है, बहुत ही घटिया सोच है, और जेडीयू के जिन नेताओं ने इस तरह का संदेश अपने कार्यकर्ताओं को दिया है उन्होंने न तो अपनी पार्टी के लिए अच्छा काम किया है और न प्रदेश के लिए अच्छा काम किया है, न रेलवे में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए। देखिए, ये तो उनका निर्णय है, उनको मुबारक। देखिए, तो स्पष्ट हो गया ना, जनता दलियों के नेताओं को विकास से कोई लेना देना नहीं। उनको अगर लेना देना है तो सिर्फ बिहार के लोगों को बताना कि तुम कौन जाते हो। राहुल गांधी और लालू यादव की मुलाकात के बाद क्या लगता है कि बिहार में फिर से खेला होगा? बिहार में तो खेला रोज हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ा खेला तो नीतीश बाबू ने किया। बिहार की जनता ने 2020 में एनडीए को बहुमत दिया, उसके नेता नीतीश बाबू थे, और उन्होंने कितना बड़ा खेला खेला कि बिहार की जनता ने जिनको वोट नहीं दिया आज वो लोग सत्ता में, और जिनको वोट में दिया गया वो आज विपक्ष में है। तो अभी क्या खेल करेंगे इन लोगों, क्या खेल होना? देखिए, बिहार में आप देख रहे हैं ना कि जो स्थिति है वो क्या है। नीतीश बाबू आजकल क्या कर रहे हैं, कौन काम में लगे, जरा देख रहे हैं ना, कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, किसी प्रकार का काम हो रहा है क्या? किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा है। कानून व्यवस्था के बारे में आपने देखा ही किस प्रकार खराब स्थिति हो गई है। कोई क्षेत्र ले लीजिए, कहीं भी चले जाइए तो क्या होगा साहब? आपके कुछ कहने से थोड़े कुछ होता है। प्रधानमंत्री जी एक सोच की तरह केस में काम कर रहे हैं, और जैसा उन्होंने कहा है कि आगे आने वाले समय में भारतवर्ष दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, तो नीतीश बाबू को तो सोचना चाहिए ना कि बिहार की जनता ने उनको जनादेश दिया था, 18 साल से हो, और क्या संकल्प लिए थे, बिहार को विकसित प्रदेश बनाएंगे, और बिहार कहाँ है जी, जहां से शुरू हुआ था वहीं पर है। आज भी जब राष्ट्रीय आय 1,80,000 है औसत, बिहार में 54,000 है, क्या ये लोग बात करें? इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है विकास से, इनका एक ही एजेंडा है कि कैसे बिहार को और पीछे रखा जाए, कैसे बिहार को विभिन्न जातियों में बांट कर रखा जाए। शिक्षकों के साथ सीएम का बैठक हुआ है, नीतीश का रास्ता भी निकाला गया, कैसे लोकसभा चुनावी? देखिए, नीतीश बाबू ने तो शिक्षा के साथ जो किया है वो बिहार के लोग उनको कभी माफ नहीं। नीतीश बाबू की पढ़ाई कहाँ हुई थी जी? बख्तियारपुर में पढ़ कर करके वो इंजीनियरिंग पास किए। मैं इस गांव में पढ़ा, इस गांव से पढ़ करके मैं आईएएस अफसर बन गया, और आज क्या 33 साल से ही दोनों भाई है ना बिहार में सत्ता चला रहे हैं। शिक्षा की क्या दुर्गति बना दिया, और सिर्फ एक ही बात की चर्चा होते रहती है बिहार में कि शिक्षकों की नियुक्ति कैसे होगी, कौन एजेंसी नियुक्त करेगा, शिक्षकों का क्या दर्जा होगा, इसी में पूरा बिहार को अपने उलझाए रहते हैं। इसे लगता है कि बिहार में इतनी बड़ी आबादी किसानों की, किसान के बारे में एक बार नीतीश बाबू चर्चा करते हैं? भारतवर्ष में प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि योजना शुरू किया, हर एक किसान को वर्ष में 6,000 रुपया मिल जाता है, नीतीश बाबू को कौन रोकता है जी? क्यों नहीं बिहार में जो हमारे किसान है, गरीब किसान है, उनके लिए कोई काम करें? बिहार में हमारा इतना बड़ा बुनकर समाज है उनके लिए कोई काम करे, हमारा इतना बड़ा छात्र समाज है उनके लिए कोई काम करे, इतना बड़ा हमारा युवा है जो रोजगार के लिए रोज जो है खोजता रहता है,
नीतीश बाबू कहिए का आयोग बना, समझे ना, और उस आयोग से ये स्टडी कराए कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं 2005 से कितने बिहार के लोग फिर पलायन करके गए। कहते थे ना कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो बिहार से लोगों का पलायन नहीं होगा, बाहर जो बिहारी गए वो आएंगे। बिहार पहले भी मजदूरों की मंडी बनी हुई थी और आज और भी बुरा हाल है। तो नीतीश बाबू को तो ये ना बिहार की जनता को जवाब देना चाहिए, इस पर ना चर्चा करना चाहिए। तो चर्चा किस पर करते हैं, बस दिन भर एक ही चर्चा है, जातीय जनगणना, और कोई एजेंडा रह गया क्या इनका? सर बिहार सरकार के मंत्री रहते हैं, फिर नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, और लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं, तो किस तरह से दरकिनार किया जा रहा है? एक बात मैं बार बार कहता हूँ फिर कहूंगा, पीएम मटेरियल क्या होता है जी? भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक जो एमपी बन सकता है, एमपी बनने की अर्हता रखता है, वो पीएम मटेरियल है, सब मटेरियल है। अब ये क्या होता है लोकतंत्र में कि जिस पार्टी को जनता वोट देती है, जिसका बहुमत मिलता है, वो जिसको नेता चुनता है, वो प्रधानमंत्री बनते हैं। अब इनके नेता क्या बोलते हैं, मटेरियल है, तो मटेरियल में कौन मना करता है? हम तो बताए ना कि भारतवर्ष का है, जितना भी हमारा वोटर है, जो हमारे हैं, वो सब इसके लिए आ रहे हैं। लेकिन बताइए नीतीश बाबू को जो लोग कह रहे हैं, बिहार में क्या काम किए, प्रधानमंत्री बन के क्या दिखाएंगे, जरा बता दीजिए, कौन सा एक एजेंडा इनके सामने है आज की तारीख में, क्या करेंगे कि बिहार में हमने ये काम किया देश में पूरा करेंगे? तो देखिए ये जो बात है, सिर्फ बिहार के लोगों को भरमाते कहा है, उनको पता है कि बिहार की जनता ने तय कर दिया है कि नीतीश बाबू को कोई वोट नहीं देगा, इसलिए लोग एन केन प्रकार पूरा का पूरा जो अपोजिशन यूनिट की बात करते हैं, कभी कहते हैं प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बना दें, अगर वो न बनाए तो उनका संयोजक बना दें, इसे कि जनता के बीच में जाए और कहे कि देखिए नीतीश बाबू का भी फ्यूचर है, जबकि आपको पता है कि नीतीश बाबू का कोई फ्यूचर नहीं है। और नीतीश बाबू ने मंच से बिहार में घोषणा कर रखा है कि उनके बाद उनका जो है उत्तराधिकारी है वो तेजस्वी यादव भी है, तो नीतीश बाबू का तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो अब लालू प्रसाद यादव जी मिलते हैं राहुल गांधी से, चंपारण मीट खाते हैं सावन के महीने में, तो बधाई हो उनको, उसमें हम लोग क्या कहना है? अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे को घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।